गुड मॉर्निंग ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह हो रही है बारिश। जैसे ही मैं उठी और मैंने बालकनी का गेट खोला तो सुबह सुबह बारिश देखी तो मन खुश हो गया। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था तो पानी पानी हो गया। इधर मुझे दूध भी लेके आना था बट नहीं लेके आ रही क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है ना, बहुत सारी कीचड़ हो गई है तो थोड़ा रुक के लेके आऊँगी। देखो पूरे में कीचड़ हो गई, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। तो मौसम को देखते हुए आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इसका ना मैं पूरा वीडियो अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दूंगी जैसे ही मुझे टाइम लगेगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। सच में मतलब मूंग दाल का जो हलवा होता है ना वैसा ही टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है, झटपट भी बन के तैयार हो जाता है। तो आज बच्चों की डिमांड थी हलवा खाने की तो सूजी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि लाओ बेसन का ही बना देती हूँ, क्योंकि बेसन भी ना गर्म होता है और मुझे भी अभी थोड़ा गर्म चीज़ें खाने की ज़रूरत है क्योंकि मेरी तबीयत अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है ना। तो मैंने सोचा कि लाओ बेसन का ही बना देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बेसन का हलवा नहीं खाया क्योंकि इसमें मैंने भर भर के घी डाला था तो और बीमार ना हो जाऊँ इसलिए मैंने एक ही कटोरी थोड़ा सा बनाया है, आप देख सकते हो। और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, मेरे बच्चे बहुत खुशी खुशी इस हलवे को खाते हैं। तो बारिश के मौसम में पकौड़ी और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आज पकौड़ियाँ तो बहुत बार बन ही चुकी हैं और ऑयली थी तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा नया हो जाएगा। काफ़ी दिन हो गए मुझे बेसन का हलवा बनाए भी तो मैंने सोचा कि मेरी वीडियो भी बन जाएगी और बच्चों का मन का भी हो जाएगा। मौसम बहुत काफ़ी अच्छा हो रहा था तो इसमें मैंने भर भर के डाले, बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी डाले हैं। और आप इसको ना बहुत ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है सच में और ये झटपट बन के भी तैयार हो जाता है। इसको बनने में ना मुश्किल से 10 मिनट लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जैसा मूंग दाल का हलवा होता है ना वैसा ही इसका टेस्ट होता है, ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखो बिल्कुल भी कढ़ाई पर भी नहीं चिपक रहा है, तो आप लोग भी खा लीजिए, आपके मुँह में पानी आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने ऋषिका के बालों को धोया था, मैं वीक में एक ही बार उसके बालों को धोती हूँ और ऑयल लगा रही हूँ। मैं डाबर आमला ही यूज़ करती हूँ शुरू से ही, ऑयल चेंज नहीं करती इसका, हम लोग घर पे सब लोग यही लगाते हैं। तो मैं अभी लगा रही हूँ उसके बालों में ऑयल क्योंकि सुबह सुबह ना ज़्यादा इतना टाइम नहीं रहता है तो इसलिए मैं अभी बालों में ऑयल लगा दूँगी तो सुबह उलझेंगे नहीं और अच्छा रहता है। वीक में एक ही बार मैं इसके बालों में तेल लगाती हूँ और एक ही बार मैं धोती हूँ। तो इसके बाल काफ़ी लंबे तो ये कहती रहती है मेरे स्कूल में, आज ये कह रहे थे वो कह रहे थे तो नज़र लग जाती है कि अच्छे बाल हैं इसके बहुत। तो अगर कोई भी इसको ये बोल दे ना कि हम तुम्हारे बाल काट दे तो ये गुस्सा करती है कि आप अपने काट लो, मेरे बालों के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो ये कहती रहती है मम्मा जब मैं इतने साल की हो जाऊंगी तब मेरे बाल कितने होंगे, इतने साल की जब कितने होंगे। तो ये देख कितना खुश होती है अपने बालों को देख देख के। यहाँ पर मैं प्रयाग के काटती हूँ नेल्स क्योंकि संडे भी है और काट तो मंडे को भी सकते हैं लेकिन वही है ना सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी रहती है तो आज कोई एकादशी भी नहीं थी और संडे था तो मैंने सोचा कि मौसम तो अच्छा हो ही रहा है, थोड़ा फ्री बैठी थी तो मैंने इनके नेल्स भी काट लिए। सुबह का मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो गया और संडे है, इस संडे को वो नहीं आई क्योंकि वो 15 दिन में एक ही बार आते हैं, वो पिछले संडे को आए थे तो 30 पड़ी थी ना तो संडे की थी तो इस संडे को तो वो आई नहीं, तो इसलिए अब हम घर पे ही अकेले संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा अपना वही डेली का रूटीन है लेकिन मस्त रहते हैं, क्या करें हर माहौल में मस्ती रहना चाहिए। तो प्रिया के नेल्स कट गए, इसके ना नेल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है जबकि ऋषिका के नेल्स की ग्रोथ इतनी नहीं है, तो अभी मैं ऋषिका के भी काटूँगी नेल्स को। और आज वो थोड़ा गए हैं बाहर घूमने के लिए हमें छोड़ के, उनके वहाँ पे है मंदिर है बालाजी का, सालेंसर बाबा का मंदिर है वो,
वो वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। तो उनका कॉल आया था कि मैं जा रहा हूँ। मैं ठीक है, अब वहाँ पे उनके जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे पास में पड़ता है, तो इसलिए वो संडे को दर्शन कर रहा है। कभी भगवान हमको भी बुलाएगा तो हम भी जाएंगे, अभी नहीं बुला रहा तो इसलिए हम बैठ के नाखून काट रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऋषिका के काट रही हूँ। ऋषिका के नेल्स इतने नहीं बढ़ते हैं, उसके तो बहुत कम ग्रोथ है, उसके पैरों के बढ़ जाते हैं पर, लेकिन हाथों के नेल्स नहीं बढ़ते हैं, बस उसके तो बाल ही हैं जो भी हैं। ऐसा ना हो कि मेरी ही नज़र लग जाए। और आज का रूटीन बस हमारा यही रहा। और फिर उसके बाद थोड़ा मैं बच्चों को भी पढ़ाऊँगी। बैग बैग तो कल ही इन्होंने रेडी कर लिया था, होमवर्क भी मैंने इनको सारा करा ही दिया था। आज हम घर से ही बैठ के बालाजी भगवान के दर्शन करेंगे, तो मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी। और जिनके बालाजी के दर्शन हो जाए वो कमेंट में राम राम जरूर लिखना। तो उन्होंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप भेजा है मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं सालासर बालाजी फ्रेंड सर्किल में। और हम यहाँ पे चाणा की धाणी पे रुके हैं, राजस्थान में ही जगह है। और ये कुवे ढाबा है, बहुत ही अच्छा ढाबा है, फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप खाना खा सकते हो जब कभी भी शूट पे आओ। और ये हमने मटर पनीर, एक पनीर कोरमा लिया है, एक सेव टमाटर, और ये बढ़िया तंदूरी रोटी है बटर लगा के। और एक क्या सब्जी थी हम जी, एक दाल शेव मसाला दाल है। बढ़िया खाना है, बहुत टेस्टी है भाई खाना तुम्हारा, बहुत अच्छा है। ये वाला जी का मंदिर है, हम यहाँ पे हैं।